फॉस्फेट अटैच रहेगा, सही है, और वो क्या कर करेगा, बोलेगा एटीपी को कि तुम एडीपी में और पी में कन्वर्ट हो जाओ, और यहाँ पे ये एक दूसरे इसके साथ अटैच रहेगा। तो वही जो कुक्ड फिनोमेना है कि एडीपी जैसे पी में कन्वर्ट करेगा तो वो यहाँ पे एनर्जी रिलीज करेगा और ये क्या जाएगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा। देखो यहाँ पे फॉस्फेट में अटैच करिए, स्मूथ मसल का केस है, ठीक है। इस एम एल सी के ने क्या कॉज किया, एम एल सी को कि तुम इसकी फॉस्फोराइलेशन कॉज की, इस फॉस्फोराइलेशन ने क्या कॉज किया कि एटीपी को एडीपी में और पी में कन्वर्ट किया, और ये फिर फिनोमेना कॉज हुआ अटैचमेंट का। एंड वी नो दैट आफ्टर अटैचमेंट क्या होता है, पावर स्ट्रोक कॉज होता है, ये पावर स्ट्रोक वाला केस है, यहाँ पे पावर स्ट्रोक जैसे ही अटैचमेंट होगी बस उसका नेक्स्ट वो खुद ही एक उसके अंदर होता है कि यहाँ पे कोई चेंजेस आती हैं इसकी जो आर्म होती है वो क्या कॉज करती है, पावर स्ट्रोक कॉज करती है, ठीक है। जैसे ही पावर स्ट्रोक कॉज करेगी तो ये इसके साथ यहाँ पे अटैच है ना, यहाँ से इसके साथ रिलीज हो जाएगा और यहाँ पे एक न्यू एटीपी अटैच हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे फॉस्फेट अटैच है, ठीक है। अब मैंने कहा कि जब तक फॉस्फेट अटैच रहेगा एटीपी इस चीज़ में कन्वर्ट होती रहेगी, ठीक है, तो मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन है ये इस तरह साइकिल चलता रहेगा। बट हमें अब रिलैक्सेशन कॉज करनी है, तो एक और एंजाइम होता है एम एल सी के फॉस्फेट फॉस्फेटेज सॉरी मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेटेज, ये भी कैल्शियम की जब क्वान्टिटी डिक्रीज होती है ना,